सालार आसिम ने कहा, मुझे मदाइन की इस फौज में एक कमजोरी नजर आ रही है। इस फौज में ईसाइयों की फौज के कबीलों के लोग भी हैं, जो लड़ना तो जानते होंगे लेकिन उन्हें जंग और बाकायदा मार्के का तजर्बा नहीं। मैं उन्हें एक मुसल्ला हुजूम कहूंगा। दुश्मन की दूसरी कमजोरी वो सिपाही हैं जो पिछले मार्के से भागे हुए मदाइन की फौज को रास्ते में मिले थे। मुझे यकीन है कि वो डरे हुए होंगे। उन्होंने अपने हजारों साथियों को तलवारों, तीरों और बर्छियों का शिकार होते देखा है। पसवाई की सूरत में वो सबसे पहले भागेंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पुरजोश आवाज में कहा, तुझ में वो अक्ल है जो हर बात समझ लेती है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन सब पर निगाह दौड़ाई जो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा, तुम में कोई एक भी ऐसा नहीं जो इस बात को ना समझ सका हो, लेकिन दुश्मन के इस पहलू को ना भूलना कि उसके पास साजो सामान और रसद और कुमक की कमी नहीं। सिर्फ अंदज़रगर की फौज हमारी फौज से 6 गुना ज्यादा है। मैंने जो तरीका सोचा है वो मौजू और मौसर जरूर होगा, लेकिन आसान नहीं। लड़ना सिपाह ने है, वो समझते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। फिर भी उन्हें अच्छी तरह से समझा दो कि हम वापस जाने के लिए नहीं आए और हम मदाइन में होंगे या खुदाए बुजुर्ग बरतर के हुजूर पहुंच जाएंगे। दो मुअर्रिखों तिबरी और याकूत ने लिखा है कि ये फहमो फरासत की जंग थी। अगर तादाद और साजो सामान और दीगर जंगी अहवाल और कवायफ को देखा जाता तो आतिश परस्तों और मुसलमानों का कोई मुकाबला ही न था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का चेहरा उतरा हुआ था। उनकी रातें गहरी सोच में गुजर रही थी। खैमागाह में वो चलते चलते रुक जाते और गहरी सोच में खो जाते। उन्हें जमीन पर बैठकर उंगली से मिट्टी पर लकीरें डालते हुए भी देखा गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि वो आतिश परस्तों से फैसला कुन मारका लड़े बगैर वापस न आने का अहद कर चुके थे। उन्होंने हस्बे मामूल अपनी फौज को 2 हिस्सों में तकसीम किया। पहले की तरह दाएं और बाएं पहलुओं पर सालार आसिम बिन अम्र और सालार अदी बिन हातिम को रखा। अपने साथ उन्होंने सिर्फ 1,500 नफरी रखी, जिसमे पैदल थे और घुड़सवार भी। इस तकसीम के बाद उन्होंने कूच का हुक्म दिया। ये हुक्म उन्होंने जासूस की उस इतला के मुताबिक दिया कि अंदज़रगर की फौज दरियाए फुरात उबूर कर रही है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी रफ्तार ऐसी रखी कि आतिश परस्त दलजा में जू ही पहुँचे वो उसके सामने हो। ये जंगी फहमो फरासत का गैर मामूली मुजाहरा था। ऐसे ही हुआ जैसे उन्होंने सोचा था। अंदज़रगर की फौज दलजा पहुँची तो उसे खेमे गाड़ने का हुक्म मिला, क्योंकि उसे बहमन की फौज का इंतजार करना था। फौज इतने लंबे सफर की थकी हुई खेमे गाड़ने लगी और उसके साथ ही शोर बबा हो गया कि बहमन जाजविया की फौज आ रही है। तमाम सिपाह उसके इस्तकबाल में खुशी का शोर गुल मचाने लगी, लेकिन ये शोर अचानक खामोश हो गया। ये मदीना की फौज है, किसी ने बुलंद आवाज से कहा और उसके साथ ये कई आवाजें सुनाई दी। दुश्मन आ गया है, तैयार होशियार। अंदज़रगर घोड़े पर सवार आगे गया और अच्छी तरह देखा। ये खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज थी और जंगी तरतीब में रहकर पड़ाव डाल रही थी। ये फौज खेमे नहीं गाड़ रही थी, जिसका मतलब ये था कि मुसलमान लड़ाई के लिए तैयार हैं। सालार आला, अंदज़रगर को एक सालार ने कहा, हमारी दूसरी फौज नहीं पहुंची। मालूम हुआ है कि वो अभी दूर है, वरना हम इन मुसलमानों को अभी कुचल डालते। ये तैयार हैं और हमारी सिपा थकी हुई है। क्या तुम नहीं देख रहे कि इनकी तादाद कितनी थोड़ी है? अंदज़रगर ने कहा, बमुश्किल 10,000 होंगे। मैं इन्हें चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं समझता। इनके घुड़सवार दस्ते कहाँ हैं? कहाँ हो सकते हैं? उसके सालार ने कहा, खुला मैदान है, जो कुछ है साफ नजर आ रहा है। मालूम होता है कि हमारे सालारों को और कमांडरों को एक एक के 6-6 नजर आते रहे हैं। अंदज़रगर ने कहा, शिकस्त खाकर भागने वालों ने मदाइन में बताया था कि मुसलमानों का रिसाला बड़ा जबरदस्त है और उसके सवार लड़ने के इतने माहिर हैं कि किसी के हाथ नहीं आते। मुझे तो इनका रिसाला कहीं नजर नहीं आ रहा। हमें झूठी इतलाएं दी गई हैं, सालार ने कहा। हम बहमन का इंतजार नहीं करेंगे, उसके आने तक हम इन मुसलमानों को खत्म कर चुके होंगे। मौरखों ने लिखा है कि मुसलमानों के घुड़सवार वहाँ नहीं थे, वहीं थोड़े से सवार थे जो प्यादों के साथ थे या खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ कुछ घुड़सवार मुहाफिज थे। आतिश परस्तों के हौसले बढ़ गए। अंदज़रगर के लिए ये फतह बड़ी आसान थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इतनी थोड़ी सी नफरी के साथ इतने बड़े लश्कर के सामने आकर गलती की थी। जिस मैदान में दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थी वो हमवार मैदान था। उसके दाएं और बाएं 2 बुलंद टीकरियां थीं। एक टीकरी आगे जाकर मुड़ गई थी, उसके पीछे एक और टीकरी थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी फौज को जंगी तरतीब में कर रखा था। उधर आतिश परस्त भी जंगी तरतीब में हो गए और दोनों फौजों के सालार एक दूसरे का जायजा लेने लगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि आतिश परस्तों के पीछे दरिया था, लेकिन अंदज़रगर ने अपनी फौज को दरिया से तकरीबन 1 मील दूर रखा था। आतिश परस्तों के पहले सालारों ने अपना अकब दरिया के बहुत करीब रखा था ताकि अकब महफूज रहे, लेकिन अंदज़रगर ने अपने अकब की इतनी एहतियात न की। उसे यकीन था कि ये मुट्ठी भर मुसलमान उसके अकब में आने की जुर्रत नहीं करेंगे। ज़रतश्त के पुजारियों, अंदज़रगर ने अपनी सिपाह से खिताब किया, ये हैं वो मुसलमान जिनसे हमारे साथियों ने शिकस्त खाई है। इन्हें अपनी आंखों से देख लो, क्या इनसे शिकस्त खाकर तुम डूब नहीं मरोगे? क्या तुम इन्हें फौज कहोगे?
ये डाकुओं और लुटेरों का गिरोह है, इनमें से कोई एक भी जिंदा ना जाए। वो दिन यूं ही गुजर गया। सालार एक दूसरे की फौज को देखते और अपनी अपनी फौज की तरतीब सीधी करते रहे। अगले रोज खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी फौज को हमले का हुक्म दे दिया। फारस की फौज तय दर तय खड़ी थी। मुसलमानों का हमला तेज और शदीद था, लेकिन दुश्मन की तादाद इतनी ज्यादा थी कि मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा। दुश्मन ने अपनी अगली सफ को पीछे करके ताजा दम सिपाहियों को आगे कर दिया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने एक और हमले के लिए अपने चंद एक दस्तों को आगे भेजा। घुमसान का मारका रहा, लेकिन मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा। आतिशपरस्तों की तादाद भी ज्यादा थी और वो नीम जिरा पोश भी थे। मुसलमानों को यूं महसूस हुआ जैसे वो एक दीवार से टकराकर वापस आ गए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कुछ देर और हमले जारी रखे, मगर मुजाहिदीन थकन महसूस करने लगे। मुतादिद मुजाहिदीन जख्मी होकर बेकार हो गए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने इस ख्याल से कि उनकी फौज हौसला न हार बैठे, खुद हमले के लिए सिपाहियों के साथ जाने लगे। इससे मुसलमानों का जज्बा तो कायम रहा, लेकिन उनके जिस्म शल हो गए। आतिशपरस्त उन पर कहकहे लगा रहे थे। उस वक्त तक मुसलमानों ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु की जेरे कमान जितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी, उनमें ये पहली लड़ाई थी जिसमें मुसलमानों ने अपने सालार के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज दबा दबा सा था, लेकिन फौज में बे इत्मीनानी साफ नजर आ रही थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु जैसे अजीम सालार के खिलाफ सिपाहियों की बे इत्मीनानी अजीब सी बात थी। वो पूछते थे कि अपना सवार दस्ता कहाँ है। वो महसूस कर रहे थे कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु अपने मखसूस अंदाज से नहीं लड़ रहे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु सिपाहियों की तरह हर हमले में आगे जाते थे, फिर भी उनके सिपाहियों को किसी कमी का एहसास हो रहा था। दुश्मन की इतनी ज्यादा नफरी देख कर भी मुसलमानों के हौसले टूटते जा रहे थे। उन्हें शिकस्त नजर आने लगी थी। आतिशपरस्तों ने अभी एक भी हल्ला नहीं बोला था। अंदजरगर मुसलमानों को थका कर हमला करना चाहता था। मुसलमान थक चुके थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु अपनी फौज की ये कैफियत देख रहे थे, इसलिए उन्होंने हमले रोक दिए थे। वो सोच ही रहे थे कि अब क्या चाल चलें, कि आतिशपरस्तों की तरफ से एक देवहैकल आदमी सामने आया और उसने मुसलमानों को ललकार कर कहा कि जिसमें मेरे मुकाबले की हिम्मत है आगे आ जाए। ये हजार मर्द पहलवान और तेगजन था। फारस में हजार मर्द का लकब उस जंगजू पहलवान को दिया जाता था जिसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता था। हजार मर्द का मतलब था कि ये एक आदमी 1000 आदमियों के बराबर है। अंदजरगर उस देव को आगे करके मुसलमानों का तमाशा देखना चाहता था। मुसलमानों में उसके मुकाबले में उतरने वाला कोई न था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु घोड़े से कूद कर उतरे, तलवार निकाली और हजार मर्द के सामने जा पहुँचे। कुछ देर दोनों की तलवारें टकराती रहीं और दोनों पैंतरे बदलते रहे। आतिशपरस्त पहलवान मस्त भैंसा लगता था। उसमें इतनी ताकत थी कि उसका एक वार इंसान को दो हिस्सों में काट देता। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने ये तरीका अख्तियार किया कि वार कम कर दिए, उसे वार करने का मौका देते रहे ताकि वो थक जाए। उस पर उन्होंने ये जाहिर किया जैसे वो खुद थक कर चूर हो गए हैं। ईरानी पहलवान खालिद रजी अल्लाह अन्हु को कमजोर और थका हुआ आदमी समझकर उनके साथ खेलने लगा। कभी तलवार घुमाकर कभी ऊपर से नीचे को वार करता और कभी वार करता और हाथ रोक लेता। वो तंजिया कलामी भी कर रहा था। वो अपनी ताकत के घमंड में लापरवाह सा हो गया था। एक बार उसने तलवार यूं घुमाई जैसे खालिद रजी अल्लाह अन्हु की गर्दन काट देगा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ये वार अपनी तलवार पर रोकने की बजाय तेजी से पीछे हट गए। पहलवान का वार खाली गया तो वो घूम गया। उसका पहलू खालिद रजी अल्लाह अन्हु के आगे हो गया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु इसी के इंतजार में थे। उन्होंने नोक की तरफ से पहलवान के पहलू में तलवार का इस तरह वार किया कि बर्छी की तरह तलवार उसके पहलू में उतार दी। वो गिरने लगा तो खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उसके पहलू से तलवार खींचकर ऐसा ही एक और वार किया और तलवार उसके पहलू में दूर अंदर तक ले गए। तिबरी और अबू यूसुफ ने लिखा है कि पहलवान गिरा और मर गया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु उसके सीने पर बैठ गए और हुक्म दिया कि उन्हें खाना दिया जाए। उन्हें खाना दिया गया जो उन्होंने हजार मर्द की लाश पर बैठकर खाया। इस इनफरादी मारके ने मुसलमानों के हौसले में जान डाल दी। आतिशपरस्त सालार अंजरगर ने भांप लिया था कि मुसलमान थक गए हैं, चुनाचे उसने हमले का हुक्म दे दिया। उसे बजा तौर पर अपनी फतह की पूरी उम्मीद थी। ये आतिशपरस्त समुद्र की मौजों की तरह आए। मुसलमानों को अब कुचले जाना था। उन्होंने अपनी जाने बचाने के लिए बेजिगरी से मुकाबला किया। एक एक मुसलमान का मुकाबला 10-10, 12-12 आतिशपरस्तों से था। अब हर मुसलमान जाती जंग लड़ रहा था। इसके बावजूद उन्होंने डिसिप्लिन का दामन ना छोड़ा और भगदड़ न मचने दी। इस मौके पर भी सिपाहियों को ख्याल आया कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु अपने पहलुओं को इस तरीके से क्यों नहीं इस्तेमाल करते जो उनका मखसूस तरीका था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु खुद सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे और उनके कपड़ों पर खून था जो उनके किसी जख्म से निकल रहा था। चूंकि ईरानियों की नफरी ज्यादा थी, इसलिए जानी नुकसान उन्हीं का ज्यादा हो रहा था। अंदजरगर ने अपने दस्तों को पीछे हटा लिया और ताजा दम दस्तों से दूसरा हमला किया।
ये हमला ज्यादा नफरी का था। मुसलमान उनमें नजर ही नहीं आते थे। अंजरगर का ये अहद पूरा हो रहा था कि एक भी मुसलमान को जिंदा नहीं जाने देंगे। अंजरगर ने मुसलमानों का काम जल्दी तमाम करने के लिए मजीद दस्तों को हल्ला बोलने का हुक्म दे दिया। अब तो मुसलमानों के लिए भाग निकलना भी मुमकिन न रहा। अब वो जख्मी शेरों की तरह लड़ रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इस मारके से आगे निकल गए थे। उनका अलमबरदार उनके साथ था। उन्होंने अलम अपने हाथ में लेकर ऊपर किया और एक बार दाएं और एक बार बाएं किया, फिर अलम अलमबरदार को दे दिया। ये एक इशारा था। इसके साथ ही मैदान जंग के पहलुओं में जो टीकरियां थीं, उनमें से 2000 घुड़सवार निकले। उनके हाथों में बर्छियां थीं जो उन्होंने आगे कर ली। घोड़े सर पर दौड़े आ रहे थे। वो एक तरतीब में होकर आतिश परस्तों के अकब में आ गए। जंग के शोरगुल में आतिश परस्तों को उस वक्त पता चला कि उन पर अकब से हमला हो गया है, जब मुसलमानों के घुड़सवार उनके सर पर आ गए थे। ये थे मुसलमानों के वो सवार दस्ते जिन्हें अंजरगर ढूंढ रहा था। खुद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की सिपाह पूछ रही थी कि अपने सवार दस्ते कहाँ हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी नफरी की कमी और दुश्मन की नफरी की इफरात देखकर ये तरीका इख्तियार किया कि रात को तमाम घुड़सवारों को टीकरी के अकब में इस हिदायत के साथ भेज दिया था कि अपनी फौज को भी पता न चल सके। उनके अलम के दाएं बाएं हिलने का इशारा मुकर्रर किया था। घोड़ों को ऐसी जगह छुपाया गया था जो दुश्मन से 1.5 मील के लगभग दूर थी। वहाँ से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ दुश्मन तक नहीं पहुँच सकती थी। एक रिवायत ये भी है कि रात को घोड़ों के मुँह बांध दिए गए थे। उन 2000 घोड़ों के कमांडर बुसर बिन उबई रहम और सईद बिन मर्रा थे। जब सुबह लड़ाई शुरू हुई थी तो इन दोनों के कमांडरों ने घुड़सवारों को पारिकाब कर दिया था और खुद एक टिकरी पर खड़े होकर इशारे का इंतजार करते रहे थे। आतिश परस्तों पर अकब से कयामत टूटी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अगली चाल चली जो पहले से तय की हुई थी। पहलुओं के सालारों आसिम बिन अम्र और अदी बिन हातिम ने लड़ते हुए भी अपने आप को बचा कर रखा हुआ था। उन्हें मालूम था कि क्या करना है। जब घुड़सवारों ने दुश्मन पर अकब से हल्ला बोला तो पहलुओं के इन दोनों सालारों ने अपने अपने पहलू फैलाकर आतिश परस्तों को घेरे में ले लिया। दुश्मन को धोखा देने के लिए खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना महफूजा यानी रिजर्व भी मार्के में पहले ही झोंक दिया था। आतिश परस्तों के फतह के नारे आहोबुका में तब्दील हो गए। मुसलमान घुड़सवारों की बर्छियां उन्हें काटती और गिराती जा रही थी। दुश्मन में भगदड़ तो उन 1000 ईसाइयों ने मचाई जिन्हें जंग का तजर्बा नहीं था, और इस भगदड़ में इजाफा दुश्मन के उन सिपाहियों ने किया जो पहले मारकों से भागे हुए थे। वो जानते थे कि मुसलमान किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब मुसलमानों के नारे गरज रहे थे। जंग का पांसा ऐसा पलटा कि जरतश्त की आग सर्द हो गई। बाज़ मौर्रिखों ने दलजा के मारके को दलजा का जहन्नम लिखा है। आतिश परस्तों के लिए ये मारका जहन्नम से कम न था। इतना बड़ा लश्कर डरी हुई भेड़ बकरियों की सूरत इख्तियार कर गया था। वो भाग रहे थे, कट रहे थे, घोड़ों तले रौंदे जा रहे थे। मौर्रिखों ने लिखा है कि अंजरगर जिंदा भाग गया, लेकिन मदाइन की तरफ जाने की बजाय उसने सहरा का रुख किया। उसे मालूम था कि अगर वो वापस गया तो उर्दशेर उसे जल्लाद के हवाले कर देगा। वो सहरा में भटकता रहा और भटक भटक कर मर गया। दूसरे आतिश परस्त सालार बहमन जाजविया की फौज अभी तक दलजा नहीं पहुंची थी। मुसलमानों को ऐसा ही एक और मारका लड़ना था। आतिश परस्तों के दूसरे सालार बहमन जाजविया को भी दलजा पहुंचना था, और किसरा उर्दशेर के मुताबिक उसके लश्कर को अपने साथी सालार अंजरगर के लश्कर के साथ मिलकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर पर हमला करना था। मगर वो दलजा से कई मील दूर था और उसे यकीन था कि वो और अंजरगर मुसलमानों को तो कुचल ही देंगे, जल्दी क्या है। उसका लश्कर आखिरी पड़ाव से चलने लगा तो 4-5 सिपाही पड़ाव में दाखिल हुए। उनमें 2 जख्मी थे और जो जख्मी नहीं थे उनकी सांसें फूली हुई थी। थकन इतनी कि वो कदम घसीट रहे थे। चेहरों पर खौफ और शब बेदारी के तासुरात थे और इन तासुरात पर धूल की तय चढ़ी हुई थी। कौन हो तुम, उनसे पूछा गया, कहां से आ रहे हो। हम सालार अंजरगर के लश्कर के सिपाही हैं, उनमें से एक ने थकन और खौफ से कांपती हुई आवाज में कहा। सब मारे गए हैं, दूसरे ने कहा। वो इंसान नहीं है, एक और कराहते हुए बोला। तुम नहीं मानोगे, तुम यकीन नहीं करोगे दोस्तों, ये झूठ बोलते हैं, जाजविया के लश्कर के एक कमांडर ने कहा। ये भगोड़े हैं और सबको डराकर बेकसूर बन रहे हैं। इन्हें सालार के पास ले चलो, हम इनके सर कलम कर देंगे, ये बुजदिल हैं। उन्हें सालार बहमन जाजविया के सामने ले गए। तुम कौन सी लड़ाई लड़कर आ रहे हो, जाजविया ने कहा। लड़ाई तो अभी शुरू नहीं हुई, मेरा लश्कर तो अभी। मोहतरम सालार, एक ने कहा, जिस लड़ाई में आपने शामिल होना था वो खत्म हो चुकी है। सालार अंजरगर लापता हैं। हमारे तेगजन पहलवान 1000 मर्द मुसलमानों के सालार के हाथों मारा गया है। हम जीत रहे थे, मुसलमानों के पास घुड़सवार दस्ते ही नहीं। हमें हुक्म मिला कि अरब के इन बद्दों को काट दो,
इनकी तादाद बहुत थोड़ी थी। हम उनके जिस्मों की बोटियां बखेरने के लिए नारे लगाते और खुशी की चीखें बुलंद करते आगे बढ़े। जब हम उनसे उलझ गए तो हमारे पीछे से न जाने कितने हजार घुड़सवार हम पर आ पड़े। फिर हम में से किसी को अपना होश न रहा। सालारे आला मुकाम, जख्मी सिपाही ने हांफते हुए कहा, सबसे पहले हमारा झंडा गिरा, कोई हुक्म देने वाला न रहा। हर तरफ नफसा नफसी और भगदड़ थी। मुझे अपनों की सिर्फ लाशें नजर आती थी। मैं किस तरह यकीन कर लूं कि इतने बड़े लश्कर को इतने छोटे लश्कर ने शिकस्त दी है, जाजविया ने कहा। इतने में उसे इत्तला दी गई कि चंद और सिपाही आए हैं। उन्हें भी उसने सामने खड़ा कर दिया। ये 13-14 सिपाही थे। उनकी हालत इतनी बुरी थी कि 3-4 गिर पड़ने के अंदाज से बैठ गए। तुम मुझे इनमें सबसे ज्यादा पुराने सिपाही नजर आते हो, जाजविया ने एक उधेड़ उम्र सिपाही से जिसका जिस्म तवाना था कहा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने जो सुना है ये कहां तक सच है? तुम ये भी जानते होगे कि बुजदिली की, मैदान जंग से भाग आने की और झूठ बोलने की सजा क्या है? अगर आपने ये सुना है कि सालार अंदजरगर की फौज मदीना की फौज के हाथों कट गई है तो ऐसा ही सच है जैसा आप सालार हैं और मैं सिपाही हूँ, उस पुराने सिपाही ने कहा। और ये ऐसे ही सच है जैसे वो आसमान पर सूरज है और हम सब जमीन पर खड़े हैं। मैंने मुसलमानों के खिलाफ ये तीसरी लड़ाई लड़ी है। उनकी नफरी तीनों लड़ाइयों में कम थी, बहुत कम थी। जरतश्त की कसम, मैं झूठ बोलूं तो ये आग मुझे जला दे जिसकी मैं पूजा करता हूं। उनके पास कोई ऐसी ताकत है जो नजर नहीं आती। उनकी ये ताकत उस वक्त हम पर हमला करती है जब उन्हें शिकस्त होने लगती है। मुझे उस लड़ाई का बताओ, सालार बहमन जाजविया ने कहा। तुम्हारे लश्कर को शिकस्त किस तरह हुई? उस सिपाही ने पूरी तफसील से सुनाया कि किस तरह मुसलमान अचानक सामने आ गए और उन्होंने हमला कर दिया और उसके बाद ये मारका किस तरह लड़ा गया। उनकी वो जो ताकत है जिसका मैंने जिक्र किया है, सिपाही ने कहा, वो घुड़सवार दस्ते की सूरत में सामने आई। उस दस्ते में हजारों घोड़े थे। उनके हमले से पहले ये घोड़े कहीं नजर नहीं आए थे। इतने हजार घोड़ों को कहीं छुपाया नहीं जा सकता। हमारे पीछे दरिया था। घोड़े दरिया की तरफ से आए और हमें उस वक्त पता चला जब मुसलमान सवारों ने हमें काटना और घोड़े तले रोंदना शुरू कर दिया। आला मकाम, ये है वो ताकत जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तुम में ईमान की ताकत है, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने लश्कर से खिताब कर रहे थे। ये खुदाए वहदहु ला शरीक का फरमान है कि तुम में सिर्फ 20 ईमान वाले हुए तो वो 200 कुफार पर गालिब आएंगे। आतिश परस्तों का लश्कर और उनके साथी ईसाई भागकर दूर निकल गए थे। मैदान जंग में लाशें बिखरी हुई थीं और एक तरफ माल गनीमत का अंबार लगा हुआ था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु इस अंबार के करीब अपने घोड़े पर सवार अपनी फौज से खिताब कर रहे थे। खुदा की कसम, खालिद रजी अल्लाह अन्हु कह रहे थे, कुरान का फरमान तुम सब ने अमली सूरत में देख लिया है। क्या तुम आतिश परस्तों के लश्कर को देख कर घबरा नहीं गए थे? आने वाली नस्लें कहेंगी कि ये कमाल खालिद बिन वलीद का था कि उसने अपने सवारों को छुपा कर रखा हुआ था और उन्हें उस वक्त इस्तेमाल किया जब दुश्मन मुसलमानों को काटने और कुचलने के लिए आगे बढ़ाया था। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये करिश्मा ईमान की कुव्वत का था। खुदा उनके साथ होता है जो उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर ईमान लाते हैं। मेरे दोस्तों, हमें और आगे जाना है। ये आतिश परस्तों की नहीं अल्लाह की सरजमीन है और हमें जमीन के आखिरी सिरे तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। मैदान जंग फतह नुसरत के नारों से गूंज रहा था। इसके बाद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी सिपाह में माल गनीमत तकसीम किया। मालूम हुआ कि अब के माल गनीमत पहली दोनों जंगों की निस्बत कहीं ज्यादा है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हस्ब मामूल माल गनीमत का पांचवा हिस्सा बैतुल माल के लिए मदीना भिजवा दिया। उस वक्त तक आतिश परस्तों के सालार बहमन जाजविया को पूरी तरह यकीन आ गया था कि अंदजरगर का लश्कर मुसलमानों के हाथों कट गया है और अंदजरगर ऐसा भागा है कि लापता हो गया है। बहमन जाजविया ने अपने एक सालार जाबान को बुलाया। तुम अंदजरगर का अंजाम सुन चुके हो, जाजविया ने कहा। हमारे लिए किसरा का हुक्म ये था कि हम दलजा में अंदजरगर के लश्कर से जा मिलें। अब वो सूरत खत्म हो गई है। क्या तुमने सोचा है कि अब हमें क्या करना चाहिए? हम और जो कुछ भी करें, जाबान ने कहा, हमें भागना नहीं चाहिए। लेकिन जाबान, जाजविया ने कहा, हमें अब कोई कार्रवाई अंधाधुंध नहीं करनी चाहिए। मुसलमान हमें तीसरी बार शिकस्त दे चुके हैं। क्या तुमने महसूस नहीं किया कि वो वक्त गुजर गया है कि हम मदीना के लश्कर को सहराई लुटेरे और बद्दू कहा करते थे? अब हमें सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। हमारी इन तीनों शिकस्तों की वजह सिर्फ ये मालूम होती है कि हमारा जो भी सालार मदीना वालों से टक्कर लेने गया वो इस अंदाज से गया जैसे वो चंद एक सहराई कजाकों की सरकूबी के लिए जा रहा हो, जाबान ने कहा। जो भी गया वो दुश्मन को हकीर और कमजोर जानकर गया। हमारी आंखें पहली शिकस्त में ही खुल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने भी तो कुछ सोचा होगा। सबसे पहली सोच तो मुझे ये परेशान कर रही है, जाजविया ने कहा, कि किसरा उर्दशेर बीमार पड़ा है। मैं जानता हूँ उसे पहली दो शिकस्तों के सदमे ने बिस्तर पर डाल दिया है। एक और शिकस्त की खबर उसे ले डूबेगी। ये भी हो सकता है कि उस शिकस्त की खबर पहुँचाने वाले को वो कत्ल ही करा दे। लेकिन जाजविया, जाबान ने कहा, हम किसरा की खुशनूदी के लिए नहीं लड़ रहे। हमें जरतश्त की अजमत और आन की खातिर लड़ना है।
मैं तुमसे एक मशवरा लेना चाहता हूँ जाबान, जाजविया ने कहा। तुम देख रहे हो कि किसरा ने हमें जो हुक्म दिया था वो बेमकसद हो चुका है। मैं मदाइन चला जाता हूँ, किसरा से नया हुक्म लूंगा। मैं उसके साथ कुछ और भी बातें करना चाहता हूँ। उसे भी ये कहने की आदत हो गई है कि जाओ और मुसलमानों को कुचल डालो। उसे अभी तक किसी ने नहीं बताया कि जंगी ताकत सिर्फ हमारे पास नहीं